चलो, फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, हम यहाँ पे थे। फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर है वॉलेंट्री एसोसिएशन, पहला वाला दिया हुआ है। वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब अब एक कंपनी चालू करने की, सबसे पहली बात तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक रहती, तुमने नाम तो सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू करने के लिए 2% लगते हैं, कितने परसेंट लगते हैं प्राइवेट लिमिटेड चालू करने के लिए? मिनिमम 2%, मतलब तू अकेला ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता है, मतलब तू और तेरे फादर एग्जाम्पल के रूप में, या तू या मैं या तू या तेरी मदर, ये सर दो जन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने के लिए चाहिए, और 18 साल के ऊपर, तू 18 साल के ऊपर नहीं है तो मतलब तू कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता प्राइवेट लिमिटेड, मतलब तेरे फादर और तेरे मदर मिलके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, या तुम्हारे घर वाले लोग पूरे मिलके वो प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म कर सकते हैं। और पब्लिक कंपनी अगर फॉर्म करने की है ना, तो 7 लोग मिनिमम लगते से, कितने लगते हैं मिनिमम 7 लोग तभी चाहिए पब्लिक कंपनी अगर फॉर्म करने की। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी इनमें का डिफरेंस क्या? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का इतना डिफरेंस है, प्राइवेट कंपनी है ना लोगों से पैसा जमा नहीं कर सकती शेयर्स के रूप में, और पब्लिक कंपनी है ना लोगों से जमा कर सकती है पैसा किसके रूप में? शेयर्स के। ये डीमार्ट जो कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जियो जो कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो लोगों से पैसा जमा करती है, इंडोरेंस जो कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब वॉलेंट्री एसोसिएशन का वॉलेंट्री मतलब खुद की इच्छा से, बाय इट्स ओन विल, तू मीनिंग लिख डाल इधर, बाय इट्स ओन विल वॉलेंट्री का मतलब। एक सेकंड, वॉलेंट्री मीन्स अभी जो मेंबर्स है ना वो खुद की मर्जी से आते हैं वॉलेंट्री एसोसिएशन बोले तो, कंपनी में खुद की मर्जी से आते हैं, उनको कोई बंदूक सर पे रख के ऐसे बोलता नहीं कि मेरे कंपनी का मेंबर बन जा बोल के, वो खुद की मर्जी से आते हैं और खुद की मर्जी से बाहर जाते हैं। कल तूने एक चीज पूछा था ना, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर। सपोज मेरे 1000 शेयर है एक कंपनी में, कितने 1000 शेयर, अब मेरे बाद में वो मेरे बच्चे के नाम पे चल जाएंगे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, शेयर भी ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते ट्रांसफर ट्रांसपेरेंस, उसको क्या बोलेंगे ट्रांसपेरेंस, आगे रहेगा, आगे रहेगा। और मेरे जितने जी मैं दूसरे को भी दूसरे के नाम पे वो शेयर बेच भी सकता, उसको ट्रांसफर ऑफ शेयर बोलते हैं, ट्रांसफर और ट्रांसफर ट्रांसपेरेंस, ये आगे कंसेप्ट है देखो, तो शेयर ट्रांसफर रहेंगे। वॉलेंटरी एसोसिएशन समझा, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर समझा, देखो समझ गया? समझ गया। अभी है ना जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है, ऐसी थोड़ी है कि मेरा बिजनेस है आरए कोचिंग क्लासेस, मैंने कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड भी नहीं कराया उसको और उसको बोला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऐसा नहीं चलता। तो प्राइवेट और ये कैसे इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है एक स्पेसिफिक एक्ट के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत, ओके समझा? ओके ओके। अब ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक लीगल स्टेटस सेपरेट रहता। देखो इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, एक एक्स मिस्टर एक्स बोल के बिजनेस करता, सोल प्रोप्राइटरशिप, वो क्या करता मालूम है क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप, अभी वो बिजनेस करता काय का, एक एक्स वाई जेड कोई भी एक बिजनेस करता, सोल प्रोप्राइटरशिप, दुकान चलाता कोई, अभी ना उसकी डेथ हो जाती अनफॉर्चुनेटली, तो बिजनेस बंद हो जाएगा उसका, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो क्या होगा मालूम है क्या? अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती थी तो क्या होता था, वो प्रोप्राइटर अगर मरता भी था वो आदमी मालिक, तो क्या होता था मालूम है क्या? दूसरे जन है ना उसका बिजनेस संभालते थे, जैसे स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी। अब स्टीव जॉब्स की तो डेथ हो गई पर एप्पल कंपनी बंद हुई क्या? नहीं, अभी भी चालू है ना एप्पल कंपनी। अभी धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी डाली थी, धीरू भाई अंबानी की डेथ हो गई तो कंपनी अभी चालू है। चालू है ना, वैसे ही रहता। एचडीएफसी बैंक जिन्होंने बनाया, बैंक ऑफ बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ ने बनाया है, राइट? उनकी डेथ हो गई, अभी भी चालू है बैंक ऑफ बड़ौदा, पर वो पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी है वो। फिर बाद में प्राइवेट कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन रहती, मतलब
तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी सांस लेती क्या? नहीं, कोई भी कंपनी सांस नहीं लेती, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। अब परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर में कम मेंबर में कम, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था स्टीव जॉब्स आया था, स्टीव जॉब्स की कंपनी चालू करी थी, अब स्टीव जॉब्स की डेथ भी हो गई तभी वो कंपनी चालू रहेंगी, ओके, मतलब अभी कईयों करोड़ों साल तक वो कंपनी चालू रहेंगी, लाखों साल तक, ओके। अब कॉमन सील एक अगला है, कॉमन सील बोलते कंपनी का एक सील रहता, तो देखा स्टैम्प, देखा हुआ है ना स्टैम्प, अब तूने जो स्टैम्प देखा वो अलग रहता, कॉमन सील एक अलग चीज रहता, कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे रहता वो कॉमन सील। अब देखो दिखाओ कॉमन सील, मैं दिखा रहा, देखो ये कॉमन, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसी टाइप का सील रहता, दिस इज अ स्टैम्प रहता, रबर स्टैम्प, वो अलग टाइप का रहता, वो ब्लू ब्लू कलर का आता, देख, और ये जो सील रहता ना कंपनी का वो आईसी टाइप का रहता, ऐसे टाइप का रहता, वो प्रेस करने का रहता है, और वो प्रेस करने के बाद सील लगता, तो सील लगता है ये, चल फोटो में शेयर कर लेता तेरे साथ, शेयर कर दूंगा, अब कॉमन सील के बारे में तो तुमने देख लिया, कंपनी के पास कॉमन सील होता है, हाँ। अभी नेक्स्ट वाला है लिमिटेड लायबिलिटी, तूने लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट मुझे कल पूछा था, अब कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड ऐसी वर्ड लिखा रहता, देख प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, इसका मतलब क्या था, लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब अगर तूने शेयर्स लिए कंपनी के, कितने रुपए के, 1000 रुपए का शेयर, एक शेयर लिया तूने, अब तूने जब कंपनी डूबेगी, वाइंड अप होगी कंपनी, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, ये 1000 रुपए कंपनी को पे करना पड़ेगा, इससे ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, उसको बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी, समझा, समझा क्या, मतलब प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड पर मतलब रहता है, मतलब नहीं लिमिटेड लायबिलिटी बोले तो एलटीडी वर्ड आता ना, इसका मतलब लिमिटेड ही रहता है, और ये जो 1000 रुपए है ना, अगर तूने 1000 रुपए का शेयर लिया और उसके पैसे भर दिए तूने, तो मतलब तेरे को कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा, समझा क्या, मतलब अगर तूने पैसा भरा हुआ नहीं है तो तेरे को इतने 1000 रुपए भरने पड़ेंगे, और उसी के अपोजिट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी बोले तो तू 1000 रुपए का शेयर चाहे ले, पर है ना कंपनी वाइंड अप हुई ना, तेको तेरी लायबिलिटी मतलब जितना डिफिशियंट अमाउंट रहेगा उतना पैसा देखो भरना पड़ेगा, उसको बोलेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो पार्टनरशिप में रहती कंपनी में नहीं रहती, समझा लिमिटेड लायबिलिटी कांसेप्ट, लायबिलिटी इज लिमिटेड, फिर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब जो कंपनी ओन करता ना, जैसे स्टीव जॉब्स ने चालू करी थी कंपनी, अब ये स्टीव जॉब्स का ओनरशिप अलग था, और उसका जो मैनेजमेंट है ना कंपनी का, एप्पल कंपनी का जो मैनेज करता था, डे टू डे अफेयर देखता था कंपनी के, मैनेजमेंट मैनेजिंग द कंपनी, ये अलग अलग रहते, ओके ओके। अगर तूने कंपनी चालू करी, ये जरूरी नहीं कि तू ये कंपनी रन करे, कोई दूसरे भी रन कर सकते स्किल्ड पर्सन, ओके। हमारा ट्रांसफरबिलिटी शेयर हो गया, नंबर ऑफ मेंबर्स देख लिया हमने 2 और 7 वाले, कैपिटल बोले तो चालू जब कंपनी करते है तब कितना कैपिटल लगता, कितना पैसा लगता, पैसा लगता ना चालू करने के लिए, वो बोले थे कैपिटल, फिर बाद में गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहता ना कंपनी में, ये साइड दिख रही है देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिख रही है, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में तुम यहाँ पे दिख रहा है व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा दिख रहा है तुझे, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, अभी सपोज अपन कंपनी मास्टर देखेंगे, हाँ कंपनी ऑब्लिक एलएलपी ने, एलएलपी बोले तो लिमिटेड लायबिलिटी, हाँ इधर क्या आया, ये आ गया, हाँ अभी इधर ये क्लिक कुछ भी नहीं हो रहा, तो मतलब तुम्हारे को सर्च करना पड़ेगा, अपन क्या करेंगे, कौन सी कंपनी, जियो देखेंगे, जियो, हाँ जियो देखेंगे, जियो नाम से देखेंगे, जियो नाम से कुछ रजिस्टर देखा, कंपनी फॉर्म कर देना तो ऐसे करते, फिर सर्च मारना पड़ता तो इतने सारे आ जाते, देख जियो ब्रिवरेजेस, जियो केबल,
देख रहा है जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, बाप रे तो ज्यादा कंपनी। फिर एंडोरेंस, एंडोरेंस देखेंगे ओके। फिर बाद में आपने सर्च करा एंडोरेंस अलायंस, एंडोरेंस अप्लायंस, एंडोरेंस सिटी, एंडोरेंस कॉर्पोरेट, एंडोरेंस डोमिनेंस, एंडोरेंस डोमिनेंट, एंडोरेंस टेक्नोलॉजी, ये है। तो अपन तू जो जहाँ पे बैडमिंटन खेलता था ना वो इसका, ये वाला एंडोरेंस था, इसका था वो। आई एरर, मतलब या ये कंपनी दिख रही नहीं है, स्पेलिंग रॉन्ग कर दी मैंने। हाँ अगर स्पेलिंग रॉन्ग करी तो ऐसे होता है, समझा? देखो अभी ये वाला, समझ गया समझ गया। और कोई कंपनी है तेरे सामने को से? JBL, JBL के हेडफोन है ना, JBL से नाम से अगर ऐसी नाम से रजिस्टर्ड होंगे ना JBL, तो वो मिलेगा। अगर कुछ तो भी और नाम से होंगे ना तो वो गया। फिर JBL प्रमोटर्स प्राइवेट, JBL बुक्स, इतने सारे ये इंडिया में ये नाम देखने पड़ते तब जाके कंपनी रजिस्टर्ड होती है। सेम नाम के दो कंपनी नहीं रहते कभी। ओके वो नहीं, सैमसंग बोल रहा हूँ, सैमसंग भी सैमसंग की दिख रही है क्या? सैमसंग, अब मैं सर्च मारा सैमसंग की, इधर ये आ गए। देख प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में रहता, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड, ये इंडिया में रहता। और जो बाहर के कंपनी रहते ना उसके एंड में INC लिखा रहेगा, जैसे रॉबिन शर्मा डॉट INC ऐसे लिखा रहता ना, WWE INC। ओके WWE नाम से है सही में। कुरियर कंपनी है। ब्लू डॉट सर्च नहीं हो रहा कुछ भी, वो कोई और होगा। फ्लिपकार्ट नाम से पहले फ्लिपकार्ट देखते हैं, अमेज़न भी देखेंगे। अभी तू देखो समझ गया ना कैसे जाने का है? हाँ कैसे जाने का, समझ गया समझ गया। देख सकता है अभी कितने भी क्या बोलते हैं कंपनीज, इतने सारे कैपिटल में देख लिया, गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया देख लिया। अभी वॉलंटियर एसोसिएशन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मेंबर्स, मतलब मेंबर्स अपने मर्जी से आए हैं। मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी इज ओपन टू ऑल, अ पर्सन एट हिज ओन विश कैन बिकम और लीव मेंबरशिप ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या रहता है MOA और AOA, इसको हम ऐसे बोलते हैं टर्म में MOA और AOA। देख कंपनी के रूल्स रहते हैं, कंपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो दिए रहते ना वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए रहते। और MOA और एक अलग डॉक्यूमेंट रहता MOA। कंपनी जब रजिस्टर्ड होते ना तब MOA ये कर, MOA बोले तो चार्टर ऑफ कंपनी, मतलब ये फ्रेमवर्क में कंपनी बिजनेस करेगी। हाँ ऐसे ऐसे बिजनेस करते। अगर सपोज एक कंपनी है, तूने ये प्रहलाद स्टेशनरी है तो इसके बाजू में तेरे घर के बाजू में, हाँ प्रहलाद स्टेशनरी वाले के MOA में लिखा कि प्रहलाद स्टेशनरी सिर्फ स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बेचेंगे, हाँ प्रहलाद स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड, तो वो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट ही बेच सकती, उसके अलावा कुछ नहीं बेच सकती। मतलब देख कॉमन ह्यूमन बींग को कामकाज करने के लिए उसको ऐसे बताना पड़ता है क्या, फीडबैक देना पड़ता है? जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट तेरे पास आया, देखो लग सकता है वो ऑब्जेक्ट, तो तू वैसे खुद को बचाएंगा ना। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को बताना पड़ता है कि तू क्या क्या काम कर सकता। कंपनी को अगर ये बताया नहीं कि तू खुद को बचा सकते तो वो खुद को बचा भी नहीं सकती। कंपनी को अगर लिखा कि ये बिजनेस कर सकते तो वो यही बिजनेस कर सकेंगे। वही कंपनी कर सकती है। अगर MOA में लिखा है ना प्रहलाद स्टेशनरी के कि वो है ना स्पोर्ट्स का बिजनेस ही कर सकती है और स्टेशनरी सप्लाई कर सकती है, तो बस उतना ही कर सकती है, वो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। इन्वेस्टमेंट बोले तो निवेश करना, मालूम है तेको? हाँ मालूम है सर, मतलब हर एक जो बड़ी कंपनी उसके MOA में ये लिखा रहेगा। मतलब अगर उसके बायर MOA के बायर कोई बिजनेस करती है कंपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कंपनी एस्टेब्लिश करी जो सिर्फ स्पीकर का बिजनेस करती है, और स्पीकर या कंप्यूटर से रिलेटेड है,
और अगर वो कंपनी ने अगर मेरे कंपनी ने अगर इन्वेस्ट क्या करे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में डील करना चालू करा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी समझते मुझे अगर उसमें डील करना चाहिए तो ये वक्त एक्ट एमओए में ने लिखा था वो एक्ट हो गया क्या बोलते हैं अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम क्या हो गया वो अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ये कंसेप्ट है ना देखो सीएस में आएगा सीएससीए में अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम क्या रहता और समझ गया अल्ट्रा वायरस हाँ समझ गया एमओए समझ गया एमओए थोड़ा एमओए बोले तो चार्टर चार्टर बोल रहा मैं ये रूल्स ऑफ द ये क्या बोलते हैं इसमें बिजनेस कर सकते हैं एमबिट में वो एमओए में लिखा रहता है कितने शेयर्स है कंपनी के वो भी एमओए में लिखा रहता है कहाँ पे कंपनी लोकेटेड रहेगी हेड ऑफिस वो भी एमओए में लिखा रहेगा द नेम ऑफ द कंपनी मतलब जो एमओए में लिखा हुआ है सिर्फ वही कर सकती है कंपनी राइट हाँ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट आया एसोसिएशन चाहिए मेरे को अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सैंपल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हाँ अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसे रहता है सैंपल दिया हुआ है यहाँ पे कंपनी का नाम रहता ऑफ डैश प्राइवेट लिमिटेड बोले तो कंपनी का नाम रहता कंपनी बाय शेयर्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 द नेम ऑफ द कंपनी इज डैश प्राइवेट लिमिटेड अब वो लिखना पड़ेगा देखो द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी डैश स्टेट ऐसे ये लिखना पड़ेगा फिर तुम्हारा कोर बिजनेस क्या है डैश फील्ड में ऐसे पूरा पूरा डिटेल में देते हैं यहाँ पे 3A में जो ऑब्जेक्टिव लिखा रहेगा ना तुम कंपनी में वही उसमें ही बिजनेस कर सकती कंपनी उसके बाहर अगर बिजनेस करा तो अल्ट्रा वायरस हो जाता कंपनी नहीं बोलती इसके अंदर ही बिजनेस करना पड़ेगा ये एमओए ऑफ द कंपनी और फिर बाद में एओए ऑफ द कंपनी चार्टर ऑफ द कंपनी रहता है रूल्स ऑफ द कंपनी रहते हैं ये विद इन दिस रूल्स ऐसी शेयर ट्रांसफर होंगे ऐसी बोर्ड मीटिंग होंगी वैसे करेंगे वो सब आर्टिकल एसोसिएशन में लिखा रहता तो आई गेस इतना इंट्रोडक्शन देखो एमओए और एओए के बारे में समझा होगा ओके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब रूल्स ये रूल्स वर्ड को अंडरलाइन कर रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंपनी कैसे चलेगी एक सेकेंड ना कौन सा रूल रिलेटेड टू फिर बाद में क्या दिया हुआ है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्मड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज कंपलसरी मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लगेगा अगर मैं पॉइंट डाल रहा और पॉइंट टपरी डाल रहा वो पॉइंट टपरी को कंपनी नहीं बोल सकते अगर वो पॉइंट टपरी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो उसको कंपनी बोल जाएंगे फिर तो इससे वो क्या हो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन An association obtains the status of a joint stock company only after its registration under the Companies Act. Companies Act के अंदर registration होएगा, तभी वो क्या होगा? तभी वो company कही जाएगी. कही जाएगी. फिर बाद में separate legal entity, a joint stock company has a legal entity that is it enjoys separate legal status. बोला ना देखो समझा दिया ना अभी? Its assistant is different from its member and director. Member से अलग है स्टीव जॉब्स को निकाल भी डाला था कंपनी ने उसके कंपनी तो फॉर्म हो गया अभी क्या करना है स्टीव जॉब्स का था मेंबर आर द ओनर एंड आर लायबिलिटी इज लिमिटेड मालूम है अभी लिमिटेड लायबिलिटी समझता देखो ओके ओके ऑफ देयर कंपनी एंड दे कंफर्म विद देयर राइट्स एंड ड्यूटीज फिर बाद में आर्टिफिशियल पर्सन ये भी समझता देखो आई गेस ये पढ़ने की जरूरत नहीं है परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स में कम है मेंबर्स में गो बट द कंपनी इज फॉर एवर हाइड्रोजन बॉम्ब भी कंपनी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती कॉमन सील में दिखा चुका हूँ लिमिटेड लायबिलिटी देखो समझा चुका हूँ 1000 शेयर का बताया था देखो एग्जांपल ओनरशिप और मैनेजमेंट ओनरशिप अलग रहता है और मैनेजमेंट अलग रहता है अभी अगर तू पढ़ेगा अभी देखो समझेगा ये पूरा चीज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स देख मैंने दिखाया ना यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड के 2 है मैक्सिमम 200 है पब्लिक लिमिटेड के मिनिमम 7 है और मैक्सिमम अनलिमिटेड यानी नो लिमिट है कैपिटल जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ टू लार्ज मेंबर्स ह्यूज अमाउंट मतलब ये पब्लिक से पैसा जमा कर सकती है शेयर्स इश्यू करके इक्विटी शेयर इश्यू करके प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके डिबेंचर इश्यू करके ये पैसा जमा कर सकती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये जमा नहीं कर सकती
गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन. रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल कंपनी. अ रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट फॉलो द रेगुलेशन इन द कंपनी लॉ. अ कंपनी हैज टू फाइल अ स्टेटमेंट, फाइल अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार के साथ ये फाइल करनी पड़ती है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना. जब कंपनी बनती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ये आरओसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे? ओसी. अभी सपोज जुरिस्डिक्शन में अगर औरंगाबाद में फॉर्म फाइल बना रहे कंपनी तो क्या होगा? तो ये मुंबई एक आरओसी में देखो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे. मुंबई नहीं तो पुणे में. ये भी मेमोरेंडम में दिया रखते हैं. आरओसी कौन रहेगा? इट हैज टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट. सपोज अब कंपनी ने लोन लिया, एक बिल्डिंग गिरवी रख के, तो वो गिरवी का जो चार्ज रहता ना, चार्ज भी रजिस्टर करना पड़ता और वो चार्ज जाता आरओसी के पास. दिस अकाउंट मस्ट बी ऑडिटेड. ऑडिटेड ऑडिटेड मतलब चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रहता है. देखो लिखने का तो लिखता रहता. ऑडिटिंग बोले तो चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. इफ अ कंपनी डज नॉट, बुक्स ऑफ अकाउंट. चल, if a company does not fulfill this statutory obligation, मतलब legal, मतलब जो गवर्नमेंट ने obligation दिया, statutory बोले तो वो, statutory बोले तो compulsory, इधर साइड में लिखा, statutory बोले तो compulsory. एक सेकंड. So, it is penalized. Penalized बोले तो penalty भरनी पड़ती है. ₹1,000, ₹2,00,000, ₹25,00,000 ऐसी penalty भरनी पड़ती है उनको. 25 लाख? हाँ, रहती है ना कंपनी चेक 2013 में तो 25 लाख में तो 6 महीने की जेल. अरे दो साल की जेल बोलो कौन से परोड़ देते. अगर नहीं जेल नहीं चाहिए तो 25 लाख रुपए पेनल्टी भरो. दिस कंट्रोल इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ स्मॉल इन्वेस्टर. अगर सपोज कंपनी ने ना, अगर सपोज किसके अगर 10 रुपए शेयर होल्डर है, उसका 10 रुपए ने उसने कंपनी डुबाया उसके, तो डायरेक्टर को उठा के लेके जाएंगे और 25 जेल में डाल देंगे और 25 लाख रुपए भरो बोलेंगे. ओके, कल हम ये टाइप्स ऑफ कंपनी करते हैं.